दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा ऐसा होता है जो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, हो सकता है आपके घर पर लगा हो और बड़ी आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है, परंतु आपको इसका नाम हिंदी में नहीं पता होगा। इसका हिंदी में नाम है कृतकुमारी, ग्वार गंधन, ग्वार पाठा है। आयुर्वेद में उपाय की बात करें तो ये शारीरिक शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, परंतु आज आप एक बात जान लीजिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है वो तांत्रिक गुण एवं तांत्रिक रूप से एक रामबाण ताकत माना जाता है। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, एलोवेरा के पौधे से आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। अगर आपके घर पर धन आना बंद हो गया है, एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करके आप महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास धन खिंचा हुआ चला आएगा। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं तो एलोवेरा का पौधा आपको उस माया जाल से निकाल सकता है एवं आपके शरीर के बड़े से बड़े रोग को एलोवेरा अपने दम पर ही सही कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के आयुर्वेदिक और तांत्रिक गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एलोवेरा के पौधे के शक्तिशाली गुणों के बारे में ठीक तरीके से जान लिया तो आप अपने दिनचर्या के काम में एलोवेरा के पौधे को हमेशा अपने पास में रखेंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस घर में भी होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। मान लीजिए आपके घर पर किसी ने बुरा साया, बुरी आत्मा, तंत्र विद्या करवा रखी है, एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से निजात पा सकते हैं, छुट्टी पा सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की जरूरत है। दोस्तों, ये वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है, और अगर आप इस वीडियो को ठीक तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका एक रुपए का भी खर्चा नहीं होगा, परंतु आपको लाखों रुपए का फायदा ही होगा। आपको अगर नहीं पता तो एक बार जान लीजिए, धरती पर जितने भी वनस्पति उपलब्ध होते हैं, जितने भी वनस्पति आप लोग देखते हैं, हर पौधे में अलग अलग तरीके की ताकत होती है, एक दिव्य शक्ति का वास होता है। आपने पढ़ा भी होगा और आपने सुना भी होगा अपने बुजुर्गों से कि पुराने समय में हर व्यक्ति जो होता था वो पेड़ पौधों में पानी इसलिए चढ़ाता था क्योंकि हर पौधे पर कोई ना कोई दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की शक्तिशाली महाशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। जैसे अगर आप उन लोगों को खुश कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इन पेड़ों के नीचे लोग जाकर दिया जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि इन पेड़ों पर भगवानों का वास होता है। और दोस्तों, एलोवेरा पेड़ पर भी महालक्ष्मी का वास ही होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने ठीक तरीके की साधना कर ली तो माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलना तय है। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि आपके ऊपर कोई भी कष्ट आने वाला हो वो अपना रास्ता बदल ले, क्योंकि कहा गया है कालों के भी काल भगवान भोलेनाथ जिसको भी आशीर्वाद दे देते हैं उसके ऊपर कभी भी कष्ट नहीं आता। तो तुरंत वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी पाना चाहते हैं तो। दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है वो सूखे में उगता है। सूखे में उगने के बाद में इसमें पानी का जो तत्व होता है वो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा के बारे में साफ साफ ये कहा जाता है कि ये शारीरिक विष को खत्म कर देता है और बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कभार ऐसे नशीले तत्व आ जाते हैं दोस्तों जो बड़ी समस्या बन जाते हैं, मतलब आपके शरीर में कब एक छोटा सा विष आ जाएगा वो छोटे रोग से चालू होते हुए कब बड़ा रोग बन जाएगा जिसमें आपका लाखों करोड़ों रुपए चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु अगर आप लोग एलोवेरा के पौधे का सही इस्तेमाल करते हैं, आप इन तरीके के नशीले तत्वों को अपने शरीर से खत्म कर देते हैं। विज्ञान की भाषा में भी कहा गया है कि एलोवेरा इज ए डायमंड, मतलब एलोवेरा एक डायमंड है, हीरा है, जिसका मतलब ये है कि इसमें आपका ज्यादा पानी का खर्चा नहीं होता है, आपको इसकी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, परंतु इसके आयुर्वेदिक गुणों से आपको लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, एक मनुष्य का जो शरीर होता है वो पांच तत्वों से निर्मित होता है, मतलब आपके शरीर में पांच तत्व मौजूद होते हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे जो तत्व होते हैं वो इंसान के शरीर में मौजूद होते हैं, वहीं पर निवास करते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बनाकर रखते हैं। यदि आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप लोग परेशान हो चुके हैं,
चिंतित रहते हैं तो ये बात जान लीजिए कि आपका कोई ना कोई तत्व बिगड़ चुका है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने भी जाना है वो अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, यानी कि उसको भाग्य का साथ मिला है, उसके पास धन खींचा हुआ चला आया है। अब कुंडलिनी शक्ति के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है, आप दिक्कत में है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा आपकी समस्या क्या है, ताकि अगर आपकी समस्या का हम समाधान बता सकते हैं तो हम आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे देंगे, और नहीं बता सकते हैं आंसर में तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपको कोई दिक्कत है कि नहीं। दोस्तों, एलोवेरा का जो प्लांट है इसके आयुर्वेदिक गुण जो होते हैं, अगर वो आप जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई रोग नहीं होगा। और आयुर्वेदिक गुण के अलावा अगर एलोवेरा पौधे के तांत्रिक गुण जान जाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए, आपके शरीर में जो पांच तत्व होते हैं उसमें कई तरीके के चक्र होते हैं। चक्रों की अगर गणना की जाए तो सात चक्र होते हैं। सात चक्रों में एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जब भी आपका कमजोर हो जाता है, यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में धन की कमी हो जाती है, आप लोग गरीबी दरिद्रता की तरफ बढ़ने चले जाते हैं। और मणिपुर चक्र का कमजोर होना आपके लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत अशुभ माना गया है। मणिपुर चक्र कमजोर होने से आयुर्वेद की भाषा में देखा जाए तो आपको हृदय की समस्या हो जाती है, मतलब हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जो आपका मणिपुर चक्र होता है अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो यकीन मानिए आप लोग जीवन में कष्टों से घिरे रहेंगे। इसलिए अगर आप लोग मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुंडलिनी शक्ति को सही करना होगा। इसके लिए हम आपको एक सरल सा उपाय बताने जा रहे हैं, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको भी नहीं पता तो एक बात जान लीजिए, एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यानी कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है, चिंता में रहता है, परेशान रहता है तो उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति में रहता है, भगवान के लिए साधना करता है, भगवान को बहुत मानता है, अपने भगवान को अपना पूरा संसार मानता है तो उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। जैसा आप लोगों ने हिंदू पुराणों में भी पढ़ा होगा, भक्ति में ही शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और वो भक्ति ठीक तरीके से करता है तो उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो एलोवेरा के उन गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस गुण के अंतर्गत आपकी मनोकामना पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें 3 या 4 साल में एक बार जाकर के कहीं फूल आता है। इस फूल की खासियत ये होती है, एलोवेरा के जितनी ताकत होती है इस फूल के अंदर ही होती है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है, उसमें फूल आ गया है तो यकीन मानिए आपके घर में बरकत आनी है, उसे तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। उस फूल को बस आपको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होगा, इस फूल को बस आपको किसी भी तरीके से हासिल करना होगा। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपको करना होगा, उसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिएगा, क्योंकि महालक्ष्मी जिसको भी आशीर्वाद दे देती है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में धन आता रहे तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आप लोग किसी भी तरीके से एलोवेरा का फूल पा जाते हैं तो आपको सिर्फ ये करना है, एलोवेरा का फूल लेके जाना है और इस फूल को ला करके आपको अपने घर पर शाम के वक्त एक माला लेके बैठना है। माला को 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम श्रीयाय नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम श्रीम श्रीयाय नमः। 11 बार माला घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का जाप 51 बार करना है, वो भी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने, और एलोवेरा के पौधे को रखना है। ये प्रक्रिया आपको 7 दिन करनी है, मतलब शुक्रवार के दिन शुरू करनी है और शुक्रवार के दिन ही खत्म करनी है। और इस फूल को आपको सिर्फ एक लाल कपड़े में रख देना है, उस पे थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है और लाल कपड़े को बांध करके अपनी अलमारी तिजोरी में रख दीजिए, जहाँ पर आप लोग पैसे रखते हैं, सोना जेवरात रखते हैं। यकीन मानिए
अगर आपने ओम श्रीम श्रियाय नमः का जाप किया तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। अब मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो चुका है और आप इसको बलवान करना चाहते हैं, सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एलोवेरा का फूल प्राप्त करना है। एलोवेरा का फूल प्राप्त करने के बाद सोमवार को इस फूल को भगवान भोलेनाथ के सामने लेकर बैठना है और भगवान भोलेनाथ के सामने किसी भी माला को लेकर के 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आप इतना कर देते हैं और इस फूल को एक लाल कपड़े में बांध करके अपने कमरे में कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी मतलब जहां पर वो सेफ रहे, इसको रखने के बाद यकीन मानिए आपका मणिपुर चक्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो होते हैं वो अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तब उसके जीवन में कष्ट कभी नहीं आता है। आप लोगों का मणिपुर चक्र जो कमजोर हो चुका है वो मणिपुर चक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन आपके बहुत ही लंबे समय से पीछे पड़ा है और वो आपको बर्बाद करना चाहता है। आप चाहते हैं कि बर्बादी से बच जाएं। कोई व्यक्ति वो आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहता है तो इसमें एलोवेरा का जो पौधा है वो आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। आपको सिर्फ ये करना है कि एलोवेरा की एक डंठल 1 इंच या 2 इंच की तोड़ लेनी है। इतना करने के बाद आपको शनिवार के दिन ये करना है, शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए, दिया जलाइए, शनि देव जी का जो मंत्र होता है उसका आपको जाप करना है। वो आपको गूगल पे बड़े आराम से सर्च करने के बाद मिल जाएगा। इस एलोवेरा का जो आपने डंठल तोड़ा है, एलोवेरा का जो आपने पत्ता टाइप का तोड़ा है, इसको ले जाकर के बस आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास में गाड़ देना है और इतना करने के बाद आपका जो शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ होगा, जो आपका विनाश करना चाहता होगा, बल्कि भगवान शनि देव उसका उल्टा विनाश कर देते हैं, उसका विनाश हो जाता है। दोस्तों अब मान लीजिए आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है और आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसते चले जा रहे हैं, तो एक तो आपको हमने उपाय बता दिया है कि माता लक्ष्मी के पास आप जा सकते हैं। परंतु अगर आप लोग आकस्मिक धन की प्राप्ति करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको आकस्मिक रुपया मिलता रहे, आप लोग कर्ज के माया जाल से छुट्टी पा जाएं, तो आपको सिर्फ ये करना है कि बृहस्पतिवार का दिन होता है भगवान विष्णु जी का दिन, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि एलोवेरा का पौधा अपने घर पर ले आइए बृहस्पतिवार के दिन। सिर्फ इतना अगर आप लोग कर लेते हैं बृहस्पतिवार के दिन, आप लोग एलोवेरा का एक पौधा ले आते हैं अपने घर में और लगा देते हैं और आप लोग लगातार 11 बृहस्पतिवार तक भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। सिर्फ इतना सरल सा उपाय आपको करना है, एलोवेरा पौधा के सामने बैठ के भगवान विष्णु जी का जाप करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए 11 बृहस्पतिवार के बाद आपको कहीं ना कहीं आकस्मिक रुपया मिलेगा। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आप काला बाजारी सट्टा बाजारी कर रहे हैं आपका रुपया उसमें दुगना हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो भी उपाय हमने आपको बताए हैं, ये सारे उपाय आपको वनस्पति ज्ञान में मिल जाएंगे, वास्तु शास्त्र की किताबों में मिल जाएंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा एक डायमंड माना गया है, एक हीरा माना गया है, वास्तु ज्ञान में साइंस में भी इसको हीरा माना गया है। तो जितने भी हमने आपको उपाय बताए हैं ये आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो आप भी चाहते हैं आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट देखने को ना मिले, आप लोग हमेशा धन से संपूर्ण रहें, तो एलोवेरा के इन उपायों को अपनाइएगा, आप अपने जीवन में बहुत आगे चले जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु की।